तृष्णा क्या होती है, आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के आधार से। एक नगर में एक सेठ बहुत ही अमीर था। एक दिन उसकी इच्छा हुई कि मालूम करे कि उसके पास कितनी संपत्ति है। उसने अपने मुनीम से कहा, मेरी संपत्ति का हिसाब लगाओ कि मेरे पास कुल कितनी संपत्ति है। सारी संपत्ति का हिसाब जोड़कर मुनीम ने नगद चल अचल संपत्ति का कुल योग बताया तो सेठ ने पूछा, इस संपत्ति से मेरी कितनी पीढ़ी बिना कुछ किए आनंद से जीवन व्यतीत कर सकती है। तो मुनीम ने मोटे तौर पर हिसाब लगाकर कहा, सेठ जी आपकी 7 पीढ़ी इस संपत्ति से आराम से रह सकती है। मुनीम से यह जानकारी प्राप्त होने के बाद सेठ चिंता में डूबा रहने लगा और सोचने लगा कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, क्या वो भूखे मरेगी। और यह सोच सोच कर उसका जीवन तनाव में बीतने लगा। इस कारण वह बहुत कमजोर हो गया, मन की स्थिरता भी नष्ट हो गई। यह देखकर सेठानी भी परेशान रहने लगी। फिर एक दिन सेठानी एक संत के पास सत्संग में सेठ जी को ले गई और महाराज जी से अपना ये दुख बयान करने लगी। महात्मा जी कोई उपाय हो तो बताओ। तब सेठ उस महात्मा से एकांत में मिले और अपनी चिंता का कारण उन्हें बताया और कहा, मेरे पास 7 पीढ़ी के लिए पर्याप्त धन संपत्ति है, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा यह सोचकर मैं विचलित हूं। ऐसा सोच सोचकर मैं तनाव में हूं। आप ऐसा कुछ उपाय बताएं कि मेरी अगली पीढ़ियां भूखी ना मरे, मैं कोई भी अनुष्ठान करवाने को तैयार हूं। संत ने समस्या जानने के बाद कहा, इसका हल तो बहुत आसान है। नगर के उस छोर इस बस्ती में एक गरीब बुढ़िया रहती है, उसे तुम मात्र 0.5 किलो आटा दान दे दो और वह तुम्हारे उस दान को स्वीकार कर ले तो उस दान के पुण्य से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ कि यह तो बहुत आसान उपाय है। अब तो उसे कहां सब्र था, इतना आसान उपाय। वह उसी वक्त 20 किलो आटा अपने साथ लेकर उस बुढ़िया के पास पहुंच गया। सेठ ने हाथ जोड़कर विनती की, माताजी आपके लिए आटा लाया हूं, इसे स्वीकार करें। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा आज के लिए आटा तो है मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए। सेठ बोले, फिर भी रख ही लीजिए। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, क्या करूंगी रखकर, जरूरत ही नहीं है मुझे। सेठ को उस संत की बात याद आ गई कि यदि 0.5 किलो आटा ही स्वीकार कर ले तो काम हो जाएगा। याद आते ही सेठ बोला, कोई बात नहीं, सिर्फ 0.5 किलो ही ले लीजिए। तो बुढ़िया ने कहा, बोला ना बेटा, आज खाने के लिए जरूरी 0.5 किलो आटा पहले से ही मेरे पास है और मुझे इससे अधिक की जरूरत ही नहीं। तो सेठ बोले, कोई बात नहीं माँ जी, इसे कल के लिए रख लीजिएगा, कल काम में ला लीजिएगा। उस बूढ़ी माँ ने उत्तर दिया, बेटा कल की चिंता मैं आज से क्यों करूं, जैसे वह मेरा पालनहार प्रतिदिन प्रबंध कर देता है तो कल भी वही प्रबंध करेगा, मैं कल की चिंता व्यर्थ ही आज से क्यों करूं। और ऐसा कहकर उस बूढ़ी मां ने आटा लेने से साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर सेठ की आंखें खुली की खुली रह गई कि एक गरीब बूढ़ी मां को अपने उस भगवान पर इतना भरोसा है कि उसे कल के भोजन की भी चिंता नहीं, और मैं हूं कि इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद भी अपनी उस 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुट रहा हूं। यह सोचकर उसने बूढ़ी मां को प्रणाम किया और उस संत के पास भागा भागा लौट आया और सारी बात कह सुनाई। संत ने सब ध्यानपूर्वक सुना और कहा, देख तेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तुम्हारी तृष्णा है और तृष्णा का कोई अंत नहीं, और इस तृष्णा नामक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का कोई इलाज नहीं। इसका इलाज सिर्फ इस बात का ज्ञान होना है जो तुम्हें हो गया है कि संतोष धन से बड़ा कोई धन नहीं है,
जिसमें ही शांति और सुख निहित है। उम्मीद करता हूं कि तृष्णा पे आधारित ये कहानी आपकी आंखें खुलेगी। धन्यवाद।